जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में डूडा के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि स्वनिधि से समृद्धि की तरफ 45 दिवसीय अभियान पूरे प्रदेश के नगर निगम में चल रहा है, जिसके तहत 4 मेगा कैंप लगाया जा रहा है, जो कि 15 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा, जिसमें वेंडर्स आकर लोन ले सकते हैं, जो कि पहला लोन 10,000, दूसरा लोन 20,000 का है। और इस कैंप में बैंक के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जो कि वेंडर्स का पेपर लेकर अकाउंट में लोन का पैसा भेजेंगे। इसके साथ ही वेंडर्स को यह भी बताया जा रहा है कि आप डिजिटली लेन देन कर सकते हैं, तो 100 रुपए का कैशबैक भी प्राप्त होगा। इस तरह एक साल में 1200 रुपए का कैशबैक प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी वेंडर्स अगर समय से लोन भरता है तो आगे 50,000 तक लोन ले सकेगा। इसलिए डीएम के द्वारा बैठक करके सभी बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी वेंडरों को समय से लोन दे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर छोटा रोजगार करना चाहता है तो लोन लेकर रोजगार प्रारंभ कर सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जो है प्रत्येक लोकल बॉडी में एक 4 मेगा कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनकी डेट है 14 और 15 मार्च, और जो इसके बाद 24 और 25 मार्च। जो ये हमारा ये विशेष अभियान चलेगा, ये 45 दिवसीय अभियान है, और इस अभियान में मुख्य रूप से जो हम लोग हैं जो लक्ष्य के सापेक्ष प्रथम ऋण वितरण लक्ष्य प्राप्त समस्त वेंडर्स को क्यूआर कोड, इन एक्टिव वेंडर्स हेतु डिजिटली प्रशिक्षण, प्रथम ऋण के सापेक्ष द्वितीय ऋण वितरण एवं स्वनिधि से समृद्धि अंतर्गत लाभ उपलब्ध कराए जाने हैं। इसके साथ ही जो बैंकों के द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों तथा ऋण वितरण के मध्य जो अंतर आ रहा है, उसे भी हमें तत्काल पूरा करना है। हमारे यहाँ देखने में आ रहा है कि जो आप बताओ कितना आपके यहाँ बिक्रा है तो अपने तो ये अब सर 1100 के लगभग आ गया। हाँ, लेकिन ये ना कि आपने हम तो शो कर रहे हैं कि सर इतना तो हमने सेंक्शन कर दिया, मैसेज चला गया भाई सेंक्शन हो गया, लेकिन डिस्पर्स ने जो फायदा किया वो बंदे को तो मिला नहीं। तो हमें तत्काल इसको भी दोनों के बीच में जो गैप है उसको पूरा भर देना है। हमारे पास जो है जो स्वीकृत लोन और उसमें जो डिस्पर्स में जो हमारा गैप है वो 2295 पूरे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो मैंने जो आपको 1800 है और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो है वो 2295 1300 1300 है, ठीक है, बहुत कम कर दिया है, अच्छी बात है। लेकिन ये कि अब इसको हमको पूरा बराबर कर देना है कि जितना सेंक्शन है और जितना डिस्पर्स बराबर प्रथम लोन था और जिन लोगों ने उसको रीपे कर दिया है, जिन लोगों ने रीपे कर दिया है उनको आपको सेकेंड लोन देना है 20,000 वाला। लेकिन जो फिगर शो हो रही है 2600 की जो फिगर आ रही है, 2600 की फिगर में आपने शायद अधिकांश बैंक से ये हुआ है तो जो NPA वाले हैं उनको भी आपने उसमें सर इसी पे अभी तो कर दिया है, तो उससे दिक्कत आ रही है। जबकि आपका जो एक्चुअल जो है सर इसमें ये होता है कि CGT MSC इनको वो पैसा सरकार से वापस मिल गया है, तो वो जो पैसा वापस मिलके जो बंद हुआ उनको नहीं मिलेगा अगले ट्रेंच का। अब उसका सर कोई तरीका नहीं हम लोगों के पास जानने का, वो जब आता है तो उसका तभी पता चलता है। तो 2600 में से मान लीजिए कि आधे वो होंगे तो, लेकिन जो अपना पैसा दे के बंद किए हैं उनका जो हम लोग आवेदन कराएं आप लोग उनको जल्दी से जल्दी इससे कि हम सेकेंड लोन की द्वितीय ऋण की जो कार्रवाई है पूरी कर सकते। इससे सर का जो फोन आया हुआ है उसमें भी उन्होंने काफ़ी नाराजगी जताई है, खासतौर से वैसे हमारे पास जो हमारा टारगेट है 31 मार्च तक का जो हमारा टारगेट है वो 20,802, क्योंकि हमारा जो पहले टारगेट था 16,802 था, ठीक है ना, उसको आप लोगों ने 16,886 को आपने लोन दे दिया था, जो कि लोन के सापेक्ष बहुत ही अच्छा परसेंट था। लेकिन क्या हुआ कि दिसंबर में हमको फिर 4,000 का एक्स्ट्रा मिल गया कि आपको इतने लोगों को और देना है। और सबसे पहले हमको ये था कि सर जो हमारा फर्स्ट लोन है सर जो स्वीकृत हो गया है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं। अविनाश जी ये बताइए कौन नहीं कर रहा, बताइए मैं उन डायरेक्टर से मिला कर रहा हूँ। ये बिल्कुल हम लोग इतना बिगड़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, इतने दिनों से बैंकर्स की कार्यशाला ले ली 2-3 बार, हर बार कितनी बार बैठकें हुई है। अगर छोटे छोटे 10,000 के कोलेक्टर विहीन लोगों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है तो हम अभी चुपचाप नहीं बैठे हैं। आप ब्रांच का नाम बताइए, ब्रांच मैनेजर का नाम बताइए। हम लोग अभी तो RBI को लिख दो,
आप स्टेट लेवल डायरेक्टर मीटिंग को लिख दो, इनके प्रबंधक को लिख दो और वहां पे छापामारी करो। आप लोग इसकी संवेदनशीलता समझ रहे हैं? ये आपके लिए नैनो एंटरप्राइजेस आपके लिए एक बंद हो जाए। देखे किसी शहर में सारा माल बाहर से आता है, इन्हीं लोगों से हम उत्पादन बढ़ाएंगे, विपणन बढ़ाएंगे, बचत उनकी बढ़ती रहती है। और क्योंकि उनको यहाँ पे उद्योग चलाना है तो वो लोग रीपेमेंट में, मेरा अनुभव है आपने हर एक चीज में। ये सर ब्रांच वाइज है, ये MMM इंजीनियरिंग कॉलेज का कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिला प्रबंधक कौन है? नहीं मुझे ये नहीं पता, रीजन टू ये वो आपका कार्य क्षेत्र और कार्य विभाजन मुझे नहीं पता, लेकिन जिला प्रबंधक जब यहाँ आए कैसी आप 30 दिन में लोन प्रोसेसिंग करने का RBI गाइडलाइन है, 7 दिन में डिस्बर्समेंट करने का है, वरना उसको शोषण मानने से कोई नहीं कर सकता। विजन जन प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त है वो, जैसा कि आपके संज्ञान में होगा। स्वनिधि से समृद्धि की तरफ का एक 45 दिवसीय जो अभियान है पूरे प्रदेश में चल रहा है, समस्त नगर निगम जितने हैं, जितने हमारे नगर निकाय हैं, उन सभी में ये अभियान चल रहा है। और इसके तहत 4 मेगा कैंप लगाए जा रहे हैं जो कि 14 और 15 मार्च को और 24 और 25 मार्च को लगे रहेंगे, जिसमें कि लोग आकर वेंडर्स आएंगे, बैंकर्स वहाँ इकट्ठे होंगे और इसमें जो इनको लोन देना है, प्रथम लोन जो 10,000 का है, सेकंड लोन जो है 20,000 का है, और उसके बाद जो कोई और भी लोन लेने की इच्छा करेगा, उसका अच्छा काम होगा, उसको 50,000 तक के लोन के बारे में कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर सभी वेंडर्स को, इन कैंपों में वेंडर्स को ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप डिजिटली लेन देन करते हैं तो प्रत्येक महीने में आपको 100 रुपये का कैशबैक और इस प्रकार से साल भर में 1200 रुपये का कैशबैक मिलेगा। और इसके साथ ही साथ एक जो बैंकर्स की आज जो बैठक की गई उसमें इनको सबसे पहले ये भी कहा गया कि जो आपने लोन को सैंक्शन किए हैं और जो उसमें आपने डिस्पर्स किए हैं उनके बीच में जो एक अंतर आ रहा है, गैप आ रहा है, उस गैप को भी तत्काल भरें। और जिन लोगों ने अपने फर्स्ट लोन को 10,000 के लोन को रीपे कर दिया है, तत्काल उसको आप इन कैंपों के माध्यम से जो 20,000 के लोन को देने की कार्रवाई करें। तो एक प्रकार से आज को ये हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी जो आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए जो योजना चलाई जा रही है, जो कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदत्त कार्यक्रमों में से एक है, उसी को लेकर ये बैठक आहूत की गई है।